सरकार से धनगर समाज है नाराज, देखते हैं क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं, सभी सामाजिक पार्टियां अपने अपने अधिकार की मांग कर रही है। अब धनगर समाज भी मैदान में आई है। धनगर समाज का कहना है कि 80 लाख से ज्यादा मतदाता मध्य प्रदेश में निवास कर रहा है और 2016 में एक आदेश पारित हुआ था, उसका पालन अभी तक नहीं हुआ। इससे धनगर समाज नाराज है और अगर धनगर समाज नाराज होती है तो मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। हम बात करना चाहें कौन से वो आदेश है जिसको लेकर धनगर समाज नाराज है। मैं रणवीर सिंह बघेल, मध्य प्रदेश मीडिया संघ से ही। हमारा जो समाज जब से ये देश आजाद हुआ है तब से लगातार कहीं ना कहीं हर जगह जो है समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ आगे बढ़ाने के लिए काम करता आ रहा है। और हर छोटे से नेता से लेके हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक बनाए, हमारी धरती से हमने प्रधानमंत्री तक बनाए, पर उसके बाद भी समाज का जो है सही से आकलन नहीं कर पा रहे। इस बार इनको जो भी सरकारें बनेंगी सबको हम लोग धूल चटा देंगे। इसलिए चटा देंगे क्योंकि हमारे लोगों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ये समाज में लोग नहीं है? क्या ये समाज के काम नहीं कर सकती? ये क्या विधायक नहीं बन जाती? एक बार दूसरे समाज से बनाते तो अगली बार दूसरों को टिकट दे देते, क्यों देते भाई? ये समाज भी कुछ ना कुछ कर सकता है, दम रखता है और इस बार ये दमदार दिखा देंगे। इस बार अगर हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो हम कहीं से भी जो बड़ी पार्टी के लोग हैं उनको जीतने नहीं देंगे, उनको हराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो 2016 का आदेश है अभी तक पालन क्यों नहीं हुआ? सरकार क्या सो रही है? क्यों सो रही है सरकार? उसको इस बार हम लोग अभी महापंचायत करने वाले, उस महापंचायत में ये होगा, एक भी पार्टी को जब तक ये अपने उसमें नहीं लाएंगे, अपनी विचारधारा में नहीं लाएंगे, अपने ज्ञान में नहीं लाएंगे, उसका आदेश को पारित नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज किसी भी पार्टी को वोट ही नहीं देगा और बहिष्कार करेगा, हर हालत में बहिष्कार करेगा। इस समाज को उद्धार के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे लोग सक्षम है। हम अपने दम पे सरकार को दिखा देंगे कि कैसे इसको आदेश को पालन करना पड़ता है और इनको करना ही पड़ेगा। सर, पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार ना मध्य प्रदेश सरकार आजादी का महोत्सव मना रही है और ये धनगर समाज अपने अधिकारों की बात कर रहा है, भीख मांगने के लिए खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने आदेश ना किया हो, कि ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है। 2016 में ये केंद्र सरकार ने आदेश किया है मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि धनगर गगरिया समाज की जो भी सारी उपजातियां हैं उनको जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आज दिनांक तक 7 साल हो गए, सरकार ने कोई भी कदम इसलिए नहीं उठाया। मैं इसलिए समाज के लोगों में, पूरे मध्य प्रदेश में 80 लाख लोग निवास करते हैं, ये पूरा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और लोगों में बहुत नाराजगी है। इसको लेकर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय होना चाहिए, नहीं सितंबर माह में एक महापंचायत बुलाकर सरकार का बहिष्कार किया जाएगा और इसका परिणाम 2023 में सरकार को भुगतना पड़ेगा चुनाव। धनगर समाज में काफी रोष है और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शीघ्र ही महापंचायत बुलाकर इस समाज की जो 2016 का जो आदेश है उस पर निर्णय नहीं लिया तो 2023 में धनगर समाज की वोट बैंक है जो वो भाजपा खाते से कहीं दूसरी पार्टी खाते में चले जाएगी। ये साफ कहना है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और 7 साल पहले आदेश हुए थे, उस आदेश का पालन आज तक क्यों नहीं हो पाया। वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो समाज अपने अधिकार की लड़ाई 7 साल से लगातार लड़ रही है लेकिन सरकार उस आदेश का पालन क्यों नहीं कर पाया।